कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात की हमने, खासतौर पे बात की कि बाजार के लिए अच्छे दिन क्यों आ रहे हैं। बाजार देखिए अभी भी एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है, 119 अंकों की तेजी देखने को मिली। कुछ एक स्टॉक्स देखिए जहां तेजी देखने को मिली है, वैसी कंपनियां जो गाड़ियों को फाइनेंस करती हैं उसमें तेजी देखने को मिली है। कल हमने देखा था टू व्हीलर स्टॉक्स में तेजी थी, आज साइकिल स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। कहीं ना कहीं बेहतर मानसून के ट्रिगर की वजह से भी इन शेयरों में तेजी देखने को मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस और मेगमा फिनकॉर्प में अच्छी तेजी देखने को मिली। अमित, इन तीनों शेयरों में कोई पसंद है क्या आपको? देखिए, M&M फाइनेंशियल में काफ़ी अच्छा ट्रेंड रिवर्सल हमने देखा है 255 के ऊपर, एंड अभी भी स्टॉक में मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। तो हमारा शॉर्ट टर्म बेसिस पे अराउंड 300 तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। तो यही राय होगी कि 265 के स्टॉप लॉस से अभी भी आप इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाएं, 295 टू 300 एक टारगेट होगा, वहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं। तो कहने का महिंद्रा एंड फाइनेंस में और भी तेजी देखने को मिल सकती है, 300 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में देखिए कल भी एक अच्छी तेजी थी, आज भी तेजी देखने को मिली है। कैनफिन होम्स, दीमान हाउसिंग फाइनेंस, GIC हाउसिंग फाइनेंस, इन सब में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली और अच्छे वॉल्यूम के साथ इजाफा देखने को मिला, हालांकि कुछ में वॉल्यूम कम भी है। इन पाँचों शेयरों में कैनफिन होम, दीमान हाउसिंग, GIC, HDFC और LIC में कोई पसंद है क्या आपको? देखिए, इसमें HDFC में तो एक शॉर्टिंग की सलाह होगी, क्योंकि HDFC में काफ़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखाई दे रहा है 1150 के स्तर से। तो HDFC में मेरी से यही सलाह होगी कि आप HDFC फ्यूचर शॉर्ट करें, 1150 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जबकि कैनफाइन होम फाइनेंस में काफ़ी लॉन्ग बिल्डअप हम देख रहे हैं, इवन आज कल के सत्र में, तो स्टॉक में अभी भी रैली एक्सटेंड हो सकती है 1450-1460 की तरफ। 1240 का इसमें टाइट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर वो टूटता है तो ये जो ब्रेकआउट है निगेट हो जाएगा। तो यही रहे, इसमें भी अपनी लॉन्ग पोजीशंस बने रखें। तो कहने कहीं महीना महीना फाइनेंस में तेजी देखने को मिल सकते हैं। कैनफिन होम में 1450 रुपये तक का लक्ष्य मान के चल रहे हैं, एक और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। HDFC में इस तेजी पर बिकवाली के अगर चलिए, वापस से शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है, और पिछले कुछ दिनों में देखिए इस शेयर में जोरदार गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन कुछ एक ऐसे स्टॉक्स देखे जिसमें आज के ट्रेड में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है, लेकिन इसकी जोरदार तेजी है पर चर्चा कम देखने को मिलती है। जैसे मॉन्टे कार्लो, इसमें जोरदार रैली देखने को मिली है। स्वराज इंजन में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। SRF, 8K माइल्स और जे कुमार इंफ्रा, इन पांचों स्टॉक्स में कोई पसंद है क्या आपको? देखिए, मॉन्टे कार्लो में काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ आज अप मूव आई है, तो रैली 485-490 तक एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि आज बुलिश रिवर्सल कैंडल इसमें बना है। तो यही राय होगी कि 400 का इसमें टाइट स्टॉप लॉस रखें और ये लॉन्ग पोजीशंस अभी भी कंटिन्यू करें। तो मॉन्टे कार्लो अभी होल्ड करने की सलाह बता रहे हैं। मम्मी, उनको लगता है तेजी देखने को मिल सकती है, आज अच्छे वॉल्यूम के साथ तेजी है, 400 रुपये का स्टॉपस लगाइए, तेजी और भी देखने को मिल सकती है। कुछ एक ऐसे स्टॉक्स देखिए खासतौर पे आज के लिए मेटल शेयरों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, चाहे हिंडालको हो, वेदांता हो, इसके अलावा सेल देखिए, टाटा स्टील देखिए, सब में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। अगर मेटल में किसी को खरीदना हो तो आप किस शेयर पर वेट करेंगे? देखिए, मेटल्स में इस लेवल पे अवॉइड की सलाह होगी, क्योंकि अगर ग्लोबली डॉलर में रिबाउंड आता है तो सबसे ज़्यादा बिक वाली आपको मेटल स्टॉक्स में दिखाई देगी। तो मेरी यही सलाह है कि इसमें काफ़ी रैली हो चुकी है, क्योंकि डॉलर काफ़ी वीक हो रहा था और कल के सत्र में ही हमने डॉलर में रिबाउंड देखा। तो हिंडालको अराउंड 98-99 एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पे एक शॉर्टिंग की सलाह होगी, आपका स्टॉप लॉस 103 बनेगा एंड स्टॉक में गिरावट फिर से 89-90 तक जा सकती है। लेकिन आपको यही सलाह होगी कि आपका जो शॉर्टिंग है 98-99 के बीच में करें, अभी भी 1-2 रुपये अपसाइड इसमें बाकी है। तो हिंडालको में जो है 98 के आसपास आप बिकवाली करके चल सकते हैं, 103 रुपये का आपको स्टॉपस रखना होगा। वापस शेयर जो है 90-89 के जोन में आता दिख सकता है, गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन आज देखिए रियल्टी प्ले हो रहा है इंटरेस्टिंग, हमने देखा चूंकि बाजार में चौथाफा खरीदारी है तो रियल्टी स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। DLF, पूर्वांकड़ा, SDIL सब में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। प्रेस्टीज स्टेट, सोबरा रियल्टी, रियल्टी में कोई शेयर आपको पसंद है क्या? आप देखिए, इस रियल एस्टेट में जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाइज दिखाई दे रहा है वो गोदरेज प्रॉपर्टीज है। स्टॉक में काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद हमने एक ब्रेकआउट दिखा है, 300 के स्तर के पार स्टॉक चल रहा है। तो इसमें हमारा जो लक्ष्य बन रहा है अराउंड 368-370, जो कि 2-3 महीने के टाइम फ्रेम पे बन रहा है। लेकिन इसमें जो स्टॉप लॉस जो हमने रिकमेंड किया है क्लाइंट्स को अराउंड 290 का क्लोजिंग बेसिस पे, फिर उसके नीचे अगर स्टॉक क्लोज होता है तो अपनी लॉन्ग पोजिशन से हट जाए। गोजर पर एक टॉपिक सुन के तब से होगा रियल्टी में जहाँ तेजी देखने को मिल सकता है, हालांकि आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस में ट्रेड करना है। अमित, कई सारे स्टॉक्स से हमने बात की, लेकिन आपके तब से कोई शेयर है जिसमें लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली करके कमाया जा सकता है?
देखिए हमारे हिसाब से बैंकिंग का जो इंटरनल स्ट्रेंथ है काफ़ी वीक है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से रुपया काफ़ी कमज़ोर होगा डॉलर के स्ट्रेंथ के हिसाब से। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रुपया फिर से 67 के पार जाएगा, इसी कारण हम जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा फ्यूचर्स में 197 है एंड हमारा जो लक्ष्य है 184 का है। मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स में रैली सस्टेन होगी, लेकिन जो लार्ज कैप स्टॉक्स में उसमें थोड़ी बिकवाली आ सकती है। कहीं ना कहीं लार्ज कैप शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है, और इसमें बिकवाली करके चलिए 184 रुपये का आपको इसमें लक्ष्य रखना होगा, 197 रुपये का आपको स्टॉपस लगाना है। रिस्क रिवार्ड रेशियो देखें तो काफ़ी फेवरेबल अमित ने दिया, उनको लगता है कि इसमें गिरावट देखने को मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल में खरीदार करके चल सकते हैं। 920 रुपये का लक्ष्य होगा, 860 रुपये का आपको इसमें स्टॉपस लगाना होगा। अमित आपका शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए, कई सारे स्टॉक्स पर आपके साथ हमने चर्चा की है। तो बाजार देखिए अभी कहीं ना कहीं दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर एक जोरदार रैली देखने को मिली, और अच्छी बात यह है कि निफ्टी जो है 7800 के ऊपर मजबूती के साथ टिका हुआ है। हमने कई सारे फंडामेंटल संकेत की बात की है जो ये बता रहे हैं कि बाजार के अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन क्या वायदा बाजार में भी कुछ ऐसे संकेत दिख रहे हैं जिससे लगता है कि बाजार की तेजी और भी जारी रहेगी।